हाँ जी बेटा, लेट अस डू द 10th क्वेश्चन बेटा। बहुत इजी था। एक्सरसाइज 3.3 टॉपिक हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं बेटा। ओके, रिवीजन इज गोइंग ऑन फ्रॉम दिस। यू आर हैविंग 10th क्वेश्चन प्रॉब्लम, सो आई एम डूइंग दैट क्वेश्चन फॉर यू। लेट अस सी। बहुत इजी था जिसको आपने प्रॉब्लम बना दिया, क्योंकि वो टर्म्स बड़ी हैं इसीलिए आपको लगता है। साइन मेरे पास जो है एन प्लस एक्स, ये सारा एंगल में है बेटा। दिस होल इज एन एंगल। ओके, साइन मेरे पास जो है एन प्लस टू एक्स, दिस होल इज एन एंगल। आफ्टर देन देयर इज मेरे पास जो है कॉस जो है एन प्लस वन एक्स कॉस एन प्लस टू एक्स मेरे पास जो है ये है। एंड मुझे प्रूफ करना है कि ये कॉस के इक्वल है। मैंने देखा, अगर मैं देखूं साइन साइन कॉस कॉस है, मेरा जो फॉर्मूला स्टार्ट होता है ना, वो कॉस कॉस से होता है। कॉस कॉस प्लस साइन साइन, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं क्या कर देती हूँ, साइन ए माइनस बी। ओके, अब क्या करूं, ब्रैकेट्स को ओपन कर दूं तो मेरे पास कॉस जो है एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स मेरे पास जो है, और ये कितना हो गया माइनस टू एक्स। एन एक्स कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट, कॉस माइनस एक्स। और कॉस नेगेटिव को क्या करता है, कंज्यूम कर लेता है, तो आंसर इज कॉस एक्स। ओके काव्या, क्लियर बेटा? हाँ जी जपन, क्लियर। चलिए लेट अस डू। हाँ जी, ये वाला बेटा देखो, कॉस ए है ये, कॉस बी है ये, प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। मास्क पहन मैम, करना ही पड़ेगा बेटा। ओके क्लियर। आई एम एट अ डिस्टेंस फ्रॉम यू, सो दैट्स व्हाई इन ऑर्डर टू स्पीक प्रॉपरली कि आपको मेरी आवाज सुने, तो आई कीप इट देयर, बट यू आर सिटिंग वेरी क्लोज तो मुझे लगता है ना। चलिए नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट। लेट अस डू द नेक्स्ट बेटा। वेरी इजी टू डू दीज क्वेश्चंस। मेरे पास जो है, हमने कल क्वेश्चन नंबर 22 कर लिया था, है ना। मैंने बता दिया था कि स्टार्ट, दोबारा बताऊं, ठीक है, 23rd से स्टार्ट करते हैं। लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 23rd। टेन फोर एक्स दैट इज इक्वल टू फोर टेन एक्स वन माइनस टेन स्क्योर एक्स ओवर वन माइनस सिक्स टेन स्क्योर एक्स प्लस टेन फोर एक्स हमारे पास। क्लियर। अब बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पर, व्हाट वी हैव टू डू हियर। मेरे पास जो है क्लियर कट फोर एक्स नजर आ रहा है, तो मेरे माइंड में एक ही चीज ट्राई की कि मैं इसको बेटा टू इंटू टू एक्स ले लूं। ओके, अपनी कैलकुलेशंस को करेक्ट करने के लिए बेटा मैं इसको थीटा ले लेती हूं। मैं साइड पे लिख देती हूँ, लेट थीटा इज टू एक्स। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, यानी मेरे पास ये बन गया टेन टू थीटा। और टेन टू थीटा को आपको फॉर्मूला आता है, क्या होता है टेन टू थीटा का, टू टेन थीटा ओवर वन माइनस टेन। मतलब एक धक्का देना पड़ता है आपको, है ना। एक बस पहला वर्ड बोल दो, ऊपर टू से स्टार्ट होना है कि वन से स्टार्ट होना है वो बता दो, सारा फॉर्मूला आ जाता है। यही होता है ना सच्ची में ना। अच्छा जी, चलो अब थीटा को दोबारा रिप्लेस कर दो किससे, ये आपके लिए हम नहीं करते हैं, हमें तो डायरेक्टली करना आता है, पर आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया। अब मैं क्या करूंगी, टू टेन टू एक्स हो गया ओवर
वन माइनस टेन स्क्वायर टू एक्स, मयंक साथ साथ करेगा। ओके हाँ जी बिल्कुल। अब जहां जहां टेन टू एक्स है बेटा, जहां जहां टेन टू एक्स है, दो जगह पे है ना, दोनों जगह पे दोबारा फॉर्मूला लगा दो, ये वाला टू टेन एक्स ओवर वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और कैलकुलेशंस करो, आपका आंसर एज इट इज वही आएगा। अब आप कैलकुलेशन खुद करोगे, मैं अपनी ब्लैक बोर्ड पे करूंगी, फिर देखो आपका निकलता है कि नहीं। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया ना, डू इट, करो खुद, खुद करो ये क्वेश्चन। चलिए मैं करने लगी हूँ। टू इंटू टू टेन एक्स ओवर वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये फर्स्ट वाले का मैंने यहां लगाया, और वन माइनस ये मैंने स्क्वायर टू टेन एक्स ओवर वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। अब प्रूफ वाला मैं रब कर देती हूँ, क्योंकि आपको कैलकुलेशंस पहले करके दिखाती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, यहां पर मेरे पास फोर टेन एक्स ओवर वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स है, और डिनोमिनेटर में मैंने एज इट इज इसका एलसीएम ले लिया, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स जो है माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स ओवर वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो गया मेरे पास यहां तक। लेट मी शो यू लेट अस सी, यहां कहां पर बेटा, ये बोला पावर टू आनी थी, फोर नहीं टू, ठीक है बेटा। अब देखिए हमने क्या करना है, मेरे पास हाँ जी फोर नहीं बेटा, ए माइनस बी का होल स्केयर बन जाना था, फोर नहीं ना बननी, वो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए भी बनेगा पावर, वो वहां पर सीधा नहीं बनेगी। ओके देखो अब आगे फोर, अब क्या करें, ये टू टाइम्स है ये वन टाइम है, ये तो कैंसिल ही कर दो ना, हो सकती है ना नीचे नीचे वाली टर्म्स की कटिंग, मैंने काट दी। अब फोर टेन एक्स अब ओवर ये वाली टर्म ऊपर चली गई, तो वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो गया। अब नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए और बी दैट इज टेन स्क्वायर एक्स माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स, नाउ इट कम आउट टू बी फोर टेन एक्स इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स ओवर, बेटा ये सारा मल्टीप्लाई है बीच में, वन प्लस टेन पावर फोर एक्स और माइनस सिक्स टेन स्क्वायर एक्स, दिस इज माय आंसर। यही मुझे प्रूफ करना था, चेक कर लो सबने किया, एंड तक करो, आई एम गिविंग यू द टाइम टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन, मैंने बता दी बट एक बार यू हैव टू डू योर सेल्फ, एंड तक नहीं निकालते इसीलिए पेपर में एग्जाम में टेस्ट में यू गेट कंफ्यूज्ड, है ना। चलिए अब सारे क्वेश्चन आपके खुद करने वाले, पीछे वाले तो थे ना बस सीडी फॉर्मूला लगाया आई बी फॉर्मूला लगाया क्वेश्चन निकल, यहां प्रॉब्लम होती है इसीलिए साथ साथ करो। चले बेटा चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज रिटन इन दिस क्वेश्चन लेट अस सी। हाँ जी बेटा हाँ जी बेटा, मेरे पास हो गए क्वेश्चन नंबर 24th। अब आप ही बताओगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 24th ऑफ सेम एक्सरसाइज कॉस 4x 1 माइनस 8, मेरे पास हो गए साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, क्या करें बेटा यहाँ। अच्छा अब पता क्या प्रॉब्लम आती है, अरे बेटा क्वेश्चन को इजी करने के लिए कॉस 2x के कितने फॉर्मूले हैं, चार हैं, टेन वाला तो लगना ही नहीं है क्योंकि आंसर साइन कॉस में है ना। चलो आपसे पूछते हैं, अब मैं भी तो सोचती हूँ ना, मैंने भी तो सोच के ही वो ट्रिक निकाला हुआ है, ठीक
ठीक है, जादू थोड़ा मेरे पास कोई। अब देखिए, मुझे पता है कि cos 2x का एक फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर, एक फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक फॉर्मूला है 2 sin स्क्वायर, ये वाला 1 माइनस 2 sin, tan वाला तो लिखना है। अब मैंने देखना है इन दोनों में से, तीनों में से कौन सा। अगर मैं ये लगाती हूँ ना, तो वो जो है 2 2 दोबारा लगाऊंगी तो मुझे लगता है जस्टिस नहीं है। मेरे को यहां नजर आए कि साइन कॉज इकट्ठे इकट्ठे हैं, और इकट्ठे इकट्ठे तब भी आएंगे अगर ये वाला लगाऊंगी साइन 2x बन जाएगा, और उसमें आगे फिर लगा दूंगी 2 साइन x कॉज x। पता चल गया ना मुझे कि और कोई सेट नहीं हो रहा करने को, मैं दूसरे मेथड से करूंगी आंसर उससे भी आ जाएगा, बट लंबा पड़ेगा ना। तो हम देखते हैं सीधा ही, अगर मैं cos 2 into 2x, इसको थीटा इमेजिन कर लो ना, अपने माइंड में सेट किया करो, लेट करने की जरूरत नहीं होती। अब आपको पता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, पर थीटा की जगह क्या है 2x, राइट है 2x, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब आगे क्या करेंगे, 1 माइनस 2 ये स्क्वायर को ऐसे लिखो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब साइन 2x का फॉर्मूला, वेरी गुड, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, स्क्वायर है बात, चलो जी 1 माइनस मेरे पास 4, 4 टू द 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये मुझे प्रूफ करना था। समझ आई फिर, कोई स्टेप जो नहीं क्लियर पूछो। अनु क्लियर बेटा, पक्का? अब करो जो राइट बार, हरी अब खुद करो, अब ब्लैक बोर्ड पे नहीं देखना, ट्राई टू योरसेल्फ, आई एम गिविंग यू द टाइम टू डू इट। मैं आगे आगे कराती जाऊंगी, आपको निकालना नहीं आएगा, अभी लगता है यस मैम हो गया। प्रॉब्लम ये आती है जब घर पे करते हो, कोई बताने वाला नहीं होता गलती क्या है। यहां करो, जब आपका आगे नहीं निकले पूछो, मैम मेरे को अब समझ नहीं आ रहा, डू इट। इसी चैप्टर में ज्यादा टाइम लगता है और किसी में नहीं लगता है, जल्दी जल्दी हरिया बेटा। मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे सैटरडे को एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी करो बेटा, डन डन बाबू, हो गया आशीष, चलो चलें बेटा, चलो नाउ बेटा, नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट। अब हमारे पास जो है लास्ट क्वेश्चन, अब मैं बिल्कुल कुछ नहीं बताऊंगी, बहुत ऐसे सेम क्वेश्चंस बता दिए, आप पहले करो उसके बाद कोई प्रॉब्लम होगी तो हम डिस्कस करेंगे। 6x cos 6x इज इक्वल टू 32 cos 6x माइनस जो है 48 जो है cos पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, जल्दी जल्दी किससे स्टार्ट करें मुझे इतना बता दो। 3 2x उससे भी निकल जाएगा, 2 इंटू 3x से भी निकल जाएगा, जिससे मर्जी स्टार्ट कर लो, करो जल्दी जल्दी। फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला बता देती हूँ दोनों। किससे स्टार्ट करेंगे, बताया था ना, साइन वाला स्टार्ट होता है 3 से, कॉस वाला स्टार्ट होता है 4 से, 4 आ गया तो कॉस क्यूब आएगा माइनस 3 कॉस एक्स आएगा। मैंने भी आप जैसे ही लर्न किए बेटा, प्रॉब्लम ही है, अभी फॉर्मूला पूछ लोगे, पेपर में फॉर्मूला किसी ने नहीं बताना, क्वेश्चन नहीं निकलना, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी कॉम्पिटिटिव में कोई तब भी नहीं निकला था, देखा फिर यही तो बात है, कॉम्पिटिटिव में कौन फॉर्मूला बताएगा आपको एग्जाम्स में। अभी से बेस तैयार होएगा, आगे जो सेकंड टर्म है ना प्लस टू की, वो टोटली इन फॉर्मूले पर बेस्ड है, भूलना नहीं प्लस वन के बाद भी। जल्दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई करके दिखाएगा मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से, जल्दी जल्दी
जतिन डन, वीडियो करो पिन जतिन, नो, चलो हिमांशु, हर्षवर्धन, काव्या, जल्दी जल्दी बेटा, लेट मी चेक, अभी किसी ने नहीं किया, गुरसीरत, युवराज सिंह, प्रगति, अनमोल, मन्नत, जल्दी जल्दी करके दिखाइए बेटा, किसका किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, जब वो खुल जाता है तो वो प्लस हो जाता है, लास्ट वाली टर्म हो गया, किसका किसका हो गया, थ्री स्टूडेंट बस, मयंक अड़ गया, बताएं फिर हम, चलो लेट अस सी, अब हम क्या करते हैं इसमें, कैसे स्टार्ट किया मयंक आप बताइए, स्टार्ट ही नहीं किया, ओ माय गुडनेस, बेटा देख मुझे ना टू फॉर्मूलेज आते हैं, वो क्या टू फॉर्मूलेज हैं, एक मुझे टू थीटा का फॉर्मूला आता है और एक मुझे कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला आता है ना, यानी मैं थीटा जैसे मर्जी मयंक ले सकती हूँ, तो मैं क्या करूं, मैं इस सिक्स एक्स को मैं या तो थ्री इंटू टू एक्स कर दू तो थीटा मेरा 2x हो जाएगा, या मैं क्या कर दूं बेटा, मैं 2 बाहर ले लूं और 3x ले लूं, इसको थीटा ले, ये आप पे डिपेंड करता है, इट इज टोटली अप टू यू, ठीक है, मैंने क्या किया, मैं ऐसे ले लेती, इसका बेनिफिट मुझे क्या होगा, क्योंकि मुझे cos 2 थीटा का फॉर्मूला जल्दी लगाना आता है, ठीक है, मैंने क्या किया, cos 2 * 3 थीटा किया, थीटा 3x, मैंने इसको थीटा मान लिया, अब cos 2 थीटा का कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊं, सारा cos वाला, क्यों, क्योंकि आंसर में क्या है मेरे पास, cos है, तो आई यूज दिस फॉर्मूला टू cos स्क्वायर, मेरे पास थीटा, अब थीटा क्या है, 3 थीटा मतलब 3x माइनस 1, मैंने लगा दी, दूसरा करती तो वो लंबा होता ज्यादा, और उसमें फॉर्मूला भी पूछ रहे थे मेरे से बच्चे, है ना, नहीं मैं वैसे जनरली बता दूं, इसमें प्रॉब्लम नहीं ना आएगी, मैं ये सोच के करती हूँ कि जिसमें याद करने का हमारे पास कम मटेरियल हो, है ना, पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, वैसे बता रही हूँ, चलो अब पता चला, अब आगे मेरे पास कॉस थ्री थीटा, ये स्क्वायर बाहर लिख रही, कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला लिखू, फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स, लगा दिया, अब ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, मेरे पास हो गए ए स्क्वायर, अब जब मैं स्क्वायर लगाऊंगी तो 16 कॉस पावर 6 प्लस बी स्क्वायर 9 कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 24 cos 4x माइनस 1, अब ओपन कर लो, 32 ठीक है जी, मेरे पास 18 ठीक है जी, माइनस 48 ठीक है जी, आंसर, हाँ जी जी, हाँ जी, अटक गया, चलो अब मैं इसके वाला मेथड लगाती हूँ, ठीक है, दूसरा कोई बता, दूसरा भी तो लगा ही सकता है, ये समझ आ गया ना, चलो लेट अस अप्लाई द सेकंड मेथड, अब मेरे पास हो गए नेक्स्ट मेथड क्या, दैट इज cos, अब मैं क्या करूं, 3 बाहर और 2x अंदर, इसको थीटा मान लिया ना, तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3, और x नहीं लिखना था, 2x लिखना था, और cos 2x, ये है, अब यहां मुझे दो जगह पे cos 2x का फॉर्मूला लगाना, cos वाला ही, अब मैं क्या करूंगी, यहां 4 और ये लगाई क्यूब, और ये हो गया 2 cos square x minus 1 minus 3 2 cos square x minus 1, फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर sin square को चेंज करो ना 1 minus cos square में, यही तो मैं सब, निकलेगा क्यों नहीं, उससे भी निकल आएगा, बट प्रॉब्लम ये तुम लगा रहे हो cos square x minus, जब तुम्हें नजर आ रहा है सारा आंसर मुझे cos में चाहिए बेटा, तो क्यों sin को बीच में लेके आ रहे हो,
अगर आपने लगा भी दिया कॉस केयर एक्स माइनस साइंस केयर एक्स, साइंस केयर को दोबारा चेंज करो वन माइनस कॉस केयर एक्स में, आइडेंटिटी लगाओ टेंथ वाली, तो फिर करो आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब, अब लगाइए a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। मैं ये इसीलिए नहीं बताती बच्चों को प्लस माइनस की, यहाँ गड़बड़ी लगती है, दे फॉरगेट दिस फॉर्मूला, नाइन तक कर लिया बहुत है मैम, भूल जाते हैं ना, इसीलिए अवॉइड करती हूँ, तो वो स्क्वायर वाला फिर भी याद रहता है, क्लियर। अब पता चला मैम, थोड़ा बेटा करो, जब आप सिर्फ देखते हो, मैं बार बार कह रही हूँ, ब्लैक बोर्ड पे देखा, मैम ने समझाया समझ आ गया, फ्रेंड ने बताया समझ आ गया, प्रॉब्लम तब आती है जब आप खुद हाथ से करो। आज जाके आपका होमवर्क यही है, 25 तक ये चार पांच क्वेश्चंस हैं, डू इट, और जो कल क्वेश्चंस किए उसमें जो अड़ा था क्वेश्चन उसको दोबारा करो। मैथ्स करने का मेथड ही है, जो अड़ रहा है उसको बार बार करो, देखो आप बिल्कुल सक्सेस अचीव होगी। आपके पास 20-25 डेज है, उसको मेंटेन करो, बार बार करो, देखना कोई प्रॉब्लम मैथ्स पेपर में नहीं आएगी। हाँ बोलो, कौन से में, इसी में क्या मैं पूरा कर दूं यहीं पे, उसमें लाओ शो मी, कहां पर स्क्वायर खोलो, हाँ जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सिक्स हो गया, ये प्लस नाइन हो गया, माइनस टू ए और बी, ठीक है माइनस वन, अब ये बाहर टू था हमारा तो आंसर आ गया था, ये हो गया 12, 24, ये cos की पावर 4, क्या किया ये, नहीं ये cos है, ये इकट्ठा तो हो गया cos पावर 4, ठीक है ना, cos क्यूब x इनटू cos x बेटा, cos पावर 4 ही आएगा ना जब, ठीक है बेटा कि नहीं, चलो लेट अस डू नाउ, दिस कंप्लीट्स योर दिस एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज जर्नल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन या ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस जिसको आप कहते हो, दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस, डिलीटेड है, ठीक है। तो हम आगे स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज, पहले एग्जांपल्स करते हैं फिर आगे करेंगे हम, ओके। अब लेट अस डू द एग्जांपल ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज, ट्रिग्नो की तो मिसलेनियस एग्जांपल्स थोड़े हैं, एक्सरसाइज तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल करेंगे 25, What is written here? If sine x मेरे पास जो है वो 3/5 है, cos y जो है -12/13 है, both lies x and y lies in the second quadrant, तो sine x plus y जो है वो किसके equal है, okay? अब हमने ये निकालना है, आपको पता है आप ऐसे तो एक्स वाई निकाल ही नहीं सकते, कोई पर्टिकुलर वैल्यू होती है ना यहाँ पर 45, 115 जिसकी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं, तो हम सीधा एंगल एक्स और वाई की वैल्यू निकालते और हम यहाँ एक्स और वाई पुट करते तो साइन का एंगल का प्लस करते और उस पर निकाल देते वैल्यू, कर देते कि नहीं। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मुझे नहीं पता साइन की कौन से एंगल पे 3/5 है, कॉस के कौन से एंगल पे -12/13 है, तो मुझे ट्रिग्नोमेट्री का कोई कॉन्सेप्ट ही यूज करना पड़ेगा। दूसरा मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने ये निकालना, मैं इसका फॉर्मूला लगा दूं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ओके बेटा। अब हमने ये तो कर दिया, अब करने के बाद मेरे पास जो है देखो साइन एक्स की वैल्यू है मेरे पास, मुझे कोई प्रॉब्लम, कॉस वाई की वैल्यू है मेरे पास, किसकी वैल्यू नहीं, कॉस साइन दोनों वैल्यूज नहीं, अब इनकी निकाल। मेरे पास अगर साइन दिया हुआ बेटा, साइन एक्स, ये एक्स है, साइन किसके इक्वल होता है, पी बाय एच, पी इज दिस और पी बाय मेरे पास जो है 5, ये हो गया, बी निकाल तो बी कितना आ गया 4। अब क्योंकि x एंड y मुझे दिया हुआ है both lies in the second quadrant, अब both lies in the second quadrant, तो that means कि मेरे पास जो है second quadrant में cos क्या होता है, negative,
तो आई विल राइट कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 4/5 बट विद नेगेटिव साइन। बस ये ध्यान दे, आगे इन चीजों का ध्यान नहीं ना देते थे टेंथ में, करते थे कभी? क्यों नहीं करते थे बता सकते हो? नहीं बेटा, तब हम जितने एंगल्स की बात करते थे बहुत बार लिखा था, दे ऑलवेज राइट एक्स एंड वाई आर अक्यूट एंगल्स, तो 90 से कम है। कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? फर्स्ट में। तो बेटा सब कुछ ही पॉजिटिव ही होता है, इसीलिए हम टेंथ में वो चीजें कोई डिस्कस नहीं करते। ओके जी, सिर्फ यही कारण है कि यहाँ, हाँ जी, हाँ ऊपर ऊपर से ही पता था, वो ऊपर ऊपर से इसीलिए पता था क्योंकि वी ओनली डील विद फर्स्ट क्वाड्रेंट इन टेंथ क्लास। हम जो आगे क्वाड्रेंट है हम वो डील ही कहाँ करते हैं, प्लस वन में आके, वहां बता भी देंगे ना तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, वो सब कुछ ऊपर से निकल जाता है। क्लियर? तो अब उसके बाद है, हमें चाहिए साइन वाई। अब मुझे ये दिया हुआ है ना, मुझे पता है साइन वाई पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये कितना है V, ये पता है H, P निकालो 25 का अंडर रूट 5, तो अपने आप साइन वाई मेरे पास क्या आ गया 5/13। अब सारी वैल्यूज मुझे पता चल गई, पुट हियर एंड गेट योर आंसर। समझ आया बेटा? कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर? सारे आएंगे इसके बाद, हाफ एंगल जिसमें चेंज हो जाता है वो लास्ट है, वी विल डू इट ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी विल डू, ठीक है? चलिए एग्जाम्पल 26 मेरे पास जो है, लेट अस डू एग्जाम्पल 26। अब एग्जाम्पल 26 में बेटा हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, प्रूफ दैट cos x by 2 माइनस cos मेरे पास 3x cos 9x by 2 is equal to। अब प्रॉब्लम आती है आपको ऐसे क्वेश्चंस, है ना, मैं भी समझती हूँ प्रॉब्लम है, अब सॉल्व कैसे करना। सबसे बड़ी बात है, अगर यहाँ पर पहली बात तो ये cos है, cos sin sin होता ना, और फिर मैं देखती कि ab सेम है, एंगल सेम है ना, तो एंगल सेम है ना, cos sin sin है, मेरे पास एक ही ऑल्टरनेटिव है। मुझे ये फॉर्मूले आते हैं c+c इज इक्वल टू 2cc, ठीक है ना, तो ये 2cc है ना, तो ये वाली साइड मतलब मुझे दे दी, बिल्कुल, तो मैं 2 कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, कांस्टेंट से मैंने डिवाइड कर दिया, कोई फर्क थोड़ा पड़ा बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूं, इसको तो बात ही बात में करें, ठीक है? ये पता चला, मुझे कैसे पता चला ये फॉर्मूला लगाना, मैंने तो कोई आंसर नहीं देखा कैसे किया, बट हाउ आई कम टू नो, मैंने ये देखा, पहला देखा कि ना तो cos sin sin नहीं बन रहे, एंगल्स भी सेम नहीं है, मैंने कहा जाओ जी अब मैं अगले फॉर्मूले पे जाती हूँ, ठीक है? अब मेरे पास हो गए 2cc का, मुझे पता है c+c होता है, और आपको पता ना कि पहले वाले के साथ x+y और दूसरे वाले के साथ x-y, यही होता है। अप्लाई करें cos, ना यहाँ by 2 नहीं आता, यही तो बात बता रही हूँ, वो तब होता है जब इधर से इधर जाना, जब मुझे cos x + cos y प्लस माइनस में दिया है, मैंने इधर से इधर जाना है, तो 2cos x + y/2cos x - y यहां पर आता है ऐसे, लेकिन जब मैंने 2cos x cos y से दूसरी तरफ जाना है तो मेरे पास cos x + y + cos x - y ये फॉर्मूला होता है। ना ना ना, समझ आई बात बेटा? ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, cos जो है 2x प्लस मेरे पास जो है x/2 प्लस cos 2x - x/2, बात समझ आई बेटा? ठीक है जी, ये कितने का लगाया अभी? इतने का ही लगाया, सिर्फ इसी का लगा ना, इसका तो रहता है ना अभी। चलिए अप्लाई कीजिए, अब मैं ये रब कर दूं इधर साइड पे,
चले माइनस कॉस जो हो गए 3x प्लस 9x बाय 2 और बाहर माइनस है ना, फॉर्मूला तो प्लस का ही लग रहा था बट बाहर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस 3x माइनस 9x बाय 2 ये ओके जी। अब क्या करें, मेरे पास जो है 1 बाय 2 हाँ जी, इसको सॉल्व करें, कॉस ये कितना हो गया बेटा 4 प्लस 1 5x बाय 2 प्लस ये कितना हो गया कॉस, अब ये क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं, माइनस ये कितना हो गया कॉस 15x बाय 2 माइनस ये कितना हो गया देखना जरा 6 माइनस 3 2 बट कॉस नेगेटिव साइन को कंज्यूम कर लेते हैं तो ये और ये कैंसिल। अब आगे क्या करें, अब लगेगा सीडी फॉर्मूला कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, अब वो डिवाइड टू वाला, ठीक है जी। अब बात समझ आ गई, चलें बेटा ओके, चलिए कंप्लीट दिस क्वेश्चन अदरवाइज वी विल डू इट टुमारो। योर होमवर्क इज रिकॉल ऑल द क्वेश्चंस जो करवाए हैं और जो होमवर्क दिया है वो करना, मैंने सीज की कॉपी कल पक्का देखनी है।